नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सभी लोगों का ऑल टाइम फेवरेट आलू के पराठे। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, ये सभी को हर सीज़न में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसे हम लोग डिनर में, लंच में, नाश्ते में, स्कूल टिफ़िन में, कहीं भी बना सकते हैं। आज मैं आपको इसे दो तरह से बनाना सिखाऊंगी, सिंगल स्टफिंग के साथ और डबल स्टफिंग के साथ। तो अब इसे बनाना कैसे है ये जानने के लिए मेरे साथ रेसिपी में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी रसोई में। और आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है आलू के पराठे। और आलू के पराठे बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो ये है। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, इसे बीच में से काट लिया है ताकि ये आसानी से उबल जाए। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ी सी अदरक ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है, आप चाहें तो इसको घिस भी सकते हैं। और ये मैंने 2 हरी मिर्च ली है, इसे भी बारीक बारीक काट ली है। दोस्तों, अगर आपको इसमें स्प्रिंग अनियंस मिल जाए तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें हरी धनिया भी डालेंगे। और साथ में मैंने ये 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस आलू को कुकर में उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ। दोस्तों, अब इस आटे को हम लगा लेते हैं। आटे को लगाने के लिए मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल लेती हूँ। आप चाहे दोस्तों तो आप जवाइन भी डाल सकते हैं, ठंडियों का मौसम है, इस मौसम में जवाइन डालकर बहुत अच्छा लगता है। 1 छोटा चम्मच मैं इसमें जवाइन डाल लेती हूँ। और मैं इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल लेती हूँ। और इन सबको अच्छे से मिला लेती हूँ, मोयन कर लेते हैं। मोयन करना हो गया है दोस्तों, अब इसमें पानी डालकर आटे को लगा लेते हैं। आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदे दोस्तों, और इसको बिल्कुल मुलायम गूंदे, नहीं तो आपके पराठे फट जाएंगे। और गूंदने के बाद इसमें तेल लगा कर रख देना है। अभी इसमें थोड़ा और पानी जाएगा मुझे लग रहा है। आटा बिल्कुल मुलायम मैंने गूंद लिया है दोस्तों, आप देख लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा कर और एक बार मिला दीजिए। और इसको कम से कम 15 मिनट रेस्ट पर छोड़ दीजिए। तो आलू हमारे हो गए हैं दोस्तों। अब आप चाहे तो इसे मैश कर लीजिए और चाहे तो इसे ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों, ग्रेट करने से बिल्कुल भी कोई बड़ा पीस नहीं रहता है दोस्तों। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे दोस्तों तो फ्राई ना करें, ऐसे ही इसमें प्याज और मसाले मिला लें, वो भी खाने में अच्छे लगते हैं। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा लिया है दोस्तों। कढ़ाई गर्म हो गई है दोस्तों। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ। एक टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया दोस्तों। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। जीरा हो गया है दोस्तों। अब इसमें हम ये कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल देते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए इसको होने देते हैं। कम से कम 1/2 मिनट बाद इसमें हम ये प्याज मिला देते हैं और इसे भून लेते हैं दोस्तों। यदि आप चाहें तो आलू को फ्राई ना करें, आप डायरेक्ट ही आलू के अंदर ये प्याज मिर्च अदरक मिला दें, धनिया मिला दें और मसाले मिला दें, वो भी खाने में अच्छा लगता है। हमें इस तरह से ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम ऐसे बनाते हैं। भुनते वक्त फ्लेम हाई रखें या मीडियम रखें, इसको गोल्डन ब्राउन होने दें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपीज़ को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अभी प्याज को और थोड़ा होने देते हैं। प्याज हो गए हैं दोस्तों, इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल लें।
आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून के करीब लाल मिर्च, आधा टीस्पून धनिया, बिल्कुल ज़रा सा कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून के करीब गरम मसाला इसमें डाल लें, आधा टीस्पून गरम मसाला डाल लें, सबको मिला दें और बस मिलाने के तुरंत बाद आप ये आलू इसमें डाल दें। आलू ये जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था ये आलू हम इसमें मिला देंगे। फ्लेम लो कर लीजिए। आलू मिलाना हो गया दोस्त। अब हम ये जो कटी धनिया हमने रखी थी वो इसमें मिला देते हैं। आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है दोस्तों। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसके पराठे बनाते हैं। 15 मिनट बाद आटा बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेते हैं और अब हम पराठे बेलना शुरू करते हैं। आटे की आप लोई ले लीजिए दोस्तों। लोई आप जितनी रोटी की लेते हैं उससे डबल लीजिए। थोड़ा बड़े साइज का लोई ले लीजिए। इसमें आटा लगाकर इसकी कटोरी बना लीजिए। कटोरी थोड़ी बड़ी सी बना लीजिए क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है। एक चम्मच में आलू इसमें डाल देती हूँ। बंद कर लीजिए। यदि हाथ में चिपक रहे हो दोस्तों तो थोड़ा सा आटा ऊपर से डाल दीजिए। इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। बंद हो गया दोस्तों। अभी एक्स्ट्रा आटा निकाल देते हैं, इसको गोल कर लेते हैं। अब इसको दोस्तों तुरंत नहीं बेलेंगे, दोनों तरफ आटा लगाकर हम हाथ से पहले इसको फैला लेते हैं। जितना आप इसको फैला सकते हैं हाथ से उतना ज़्यादा फैला लें। और अब इस पे हल्के हाथों से बेलन चला दें थोड़ा सा। एक तो तरीका दोस्तों ये होता है आलू का पराठा बनाने का, मैं आपको एक और बताती हूँ जिसमें डबल स्टफिंग होगी। फिर से हम एक गोला बना लेते हैं आटे का। इसकी एक रोटी बेल लेते हैं बड़ी सी। बड़ी सी रोटी बेलने के बाद दोस्तों इसके आधे में हम आलू लगा देते हैं। ये पराठा दोस्तों हमारा डबल स्टफिंग का बनेगा। अच्छे से आलू लगा लीजिए। अब इसको बंद कर दीजिए। अब इस लेयर पर भी आधे पर आलू लगा लीजिए। ये तरीका दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें अभी अच्छे से भरना नहीं आता आलू। नया नया जिन्होंने अभी पराठा बनाना सीखा है वो इसी तरह से बनाएं। खाने में भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और बनाने में भी बहुत आसान रहेगा। पहले मुझे भी पराठे भरने नहीं आते थे तो ये तरीका बहुत आसान रहता है दोस्तों। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा देंगे। तरफ भी थोड़ा सा आटा लगा दीजिए। थोड़ा सा हाथ से बड़ा कर लीजिए
और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे भी बेल दीजिए। सब पोर्शन है इसको काट कर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं आलू पहुँचा होगा कहीं नहीं पहुँचा होगा, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अब इसको मैं सेक कर दिखाती हूँ। गैस ऑन करके दोस्तों मैंने तवा चढ़ा दिया है, तवा गर्म हो गया है दोस्तों। मैं इस पर ये पराठा डाल देती हूँ, आँच मीडियम कर देती हूँ। अब इसको पलट देते हैं दोस्तों, आँच मीडियम रहने देते हैं। देखिए दोस्तों पराठा बिल्कुल फूल गया है। इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पर या लो आंच पर थोड़ी देर तक सेके, ताकि पराठे आपके बिल्कुल करारे करारे हो जाए। ये पराठा हो गया है दोस्तों, अब मैं इसे उतार लेती हूँ। अब ये दूसरे डिज़ाइन का पराठा इसमें डालती हूँ। तो फ्रेंड्स इसे एक तरफ से थोड़ा होने देती हूँ, आँच मीडियम कर देती हूँ। एक तरफ से ये हो गया दोस्तों, मैंने इसको पलट दिया है। इसको होने दीजिए। देखिए दोस्तों पराठा फूल गया है। अब मैं इस पे बटर लगा देती हूँ। दूसरी तरफ भी पलट कर लगा देती हूँ। देखिए दोस्तों कितना सुंदर पराठा हमारा ये भी फूल गया है, बहुत ही शानदार लाजवाब पराठे बन रहे हैं। प्लीज़ आप इस तरह से पराठे बनाकर ट्राई करें। देखिए ये बिल्कुल फूल गया है, गोल वाला पराठा भी फूल गया और ये पराठा भी फूल गया है। इसको मीडियम आंच पे या लो आंच पे थोड़ी देर तक सेक लीजिए, ताकि ये अच्छे से करारे करारे हो जाए बिल्कुल खाने लायक। तो ये भी पराठा पक गया है दोस्तों। अब मैं सारे पराठे पकाकर आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों तैयार हो चुके हैं लाजवाब पराठे, आप देख सकते हैं दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे, होते ही हैं। आलू के पराठे तो सभी के फेवरेट होते ही हैं, और ख़ास करके इस सर्दियों के मौसम में। और अब मैं आपको ये खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल लास्ट तक इसकी स्टफिंग आई हुई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप पराठे बनाएं, आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं और स्टफिंग बिल्कुल लास्ट तक आएगी और बिल्कुल रोटी की तरह फूले फूले बनेंगे। अब मैं ये दूसरा वाला आपको खोल कर दिखाती हूँ, जो हमने डबल स्टफिंग की थी। ये देखो देखिए दोस्तों, ये इसकी एक लेयर और ये दूसरी लेयर, ये दूसरी लेयर, ये देखिए दोस्तों इसकी दोनों लेयर पे आलू कितने अच्छे से लग गए हैं। और ये खाने में इस गोल पराठे से भी ज़्यादा लाजवाब लगता है, क्योंकि इस पे डबल स्टफिंग होती है। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि ये बनाने में बहुत आसान होता है। जिन लोगों ने नया नया अभी अभी पराठा बनाना सीखा है, उन्हें गोल वाला भरने में दिक्कत होती है, वो इसी तरह से पराठा बनाएं, ये खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और दिखने में भी ज़्यादा सुंदर। तो अब दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को ला सकूं। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए